नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके ही चैनल पे सोशल बिकू में। दोस्तों आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज पेंशन से निकल के आ रही है, आपको बता दें ये आ रही है मध्य प्रदेश से। कमलनाथ सरकार ने दिव्यांगों के लिए जो पेंशन राशि थी 300 रुपये, उसे बढ़ा के अब 1000 रुपये कर दिया। आपको बता दें इस ऐलान के बाद से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों का अच्छा खासा भीड़ जो है अस्पताल में जुड़ना शुरू हो गया है। सीएम के गृहनगर छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में ऐसे ही कुछ जिला स्तरीय मेडिकल दिव्यांग जांच शिविर का देखने को मिला है, जहां पर लोग अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए काफी अधिक संख्या में वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। आमतौर पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में करीब 40 से 50 लोग आते थे, लेकिन अब जो है 140 से 150 लोग पहुंचने लगे हैं। आपको बताएं प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लोग कर रहे हैं और जो निर्धारित मानदंड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी इस पे अप्लाई कर रहे हैं, पर ये निर्धारित जो मानदंड है उनको ही दिया जाएगा और इसे बढ़ा के अब 300 रुपये से जो है 1000 रुपये कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इससे वास्तविक दिव्यांग की चिकित्सा के जांच के लिए और भी कई तरह के इसमें मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे कि जो वास्तविक इसके लाभार्थी हों उन्हें ही सिर्फ इसका लाभ मिल सके। दोस्तों ये पेंशन से रिलेटेड मध्य प्रदेश से लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें अपने राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।